के प्रयास को व्यवस्था अपने अदा करने से वो अब आ गए हैं, मैं तो उनकी जगह पे बाहर आऊँ, मैं ऐसा तशरीफ लाए। मौजूद मेहमानों में ग्रामी कराम और मैं स्कूल के स्टाफ और बच्चों का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके सामने कुछ आकर बयान करूं और हमारे ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। तो सबसे पहले मैं मार साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके जा रहे हैं। तो पेशे के लिहाज से जो उनके अंदर खूबी मैंने देखी और खूबियों के अलावा कि जिम्मेदार तबका में जो टीचर हैं वो अपने फराइज मनसबी पूरे तौर पर अदा नहीं करते, लेकिन मार साहब के अंदर ये बात मैंने देखी कि वो अपना स्कूल का टाइम जो है वो बिल्कुल पूरा करते थे, बल्कि एक मौका ऐसा भी आ गया तो उन्होंने हेडमास्टर के खिलाफ ये दरख्वास्त दी कि वो स्कूल वक्त पर नहीं आते। तो वो जो बंदा काम करता था उसकी भी इज्जत करते थे, स्कूल के बेहतरी के लिए जो भी वो कर सकते थे करते थे, बच्चों की फलाह के लिए करते थे और अपने इस पेशे से वो मुखलिस थे। तो यकीनन अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको अजर अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अजर अता फरमाएंगे। तो ये बात आपके इल्म में है कि मैं यहाँ घर में मुलाजमत करता था और अपने ही बच्चों को पढ़ाता था, कभी ये नहीं सोचा था कि किसी घर के बच्चे हैं, दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, कभी ये महसूस नहीं किया था। लेकिन ये आप ही की दुआओं का सिला है कि घर बैठे मुझे प्रमोशन के ऑर्डर मिल गए या तरक्की मिल गई। ये आप स्टाफ और ये बच्चों की दुआओं का सदका है, वरना मैं इस काबिल ही नहीं था कि मैं किस अहदे पर पहुंचूं। घर में इत्मीनान से बैठा था। तो बहरहाल ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है। जिस वक्त भी आपको कोई तालीमी मामलत की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। असासा कराम के लिए किसी वक्त भी मेरी जरूरत है कि मैं हाजिर हूँ, तो एसोसिएशन का मसला हो। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं, दोनों बेटे पढ़ के गए हैं, तीसरा भी इंशाल्लाह इस स्कूल में पढ़ेगा और मेरी दुआ है कि ये स्कूल दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करता रहे। और इन्हीं अल्फाज के साथ ही मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ मेहमाना निगरानी का भी, स्टाफ का भी, स्कूल के तलबा हैं कि वो इन्होंने अपने स्कूल में वक्त दिया और बैठने दुनिया का वक्त भी करीब है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, आपका शुक्रिया गुमा है। साहब को दावा देता हूँ, वो आकर अपने ख्यालात का मार साहब के बारे, जैद साहब के बारे इजहार करें और उसके बाद अमरान साहब होंगे ताकि स्कूल की तरक्की हो, इन हमारे भाइयों की, जाने वालों की, यहाँ रहने वालों की जिंदगी खूबसूरती से गुजरे और आपस में मोहब्बत भाईचारा रहे। जो आज मौजूद है वो तो ये है कि हमारे मार अला दिता साहब जो कि अपनी रिटायर हो रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अफसोस है कि हमारे बहुत बड़े खुशी भी है कि अपनी सर्विस पूरी करके बाइज्जत तरीके से छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन खुशी चंद लम्हों की है और अफसोस ज्यादा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं साहब
के मकामी हैं, हमारे बड़े हैं, आते जाते रहेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। और हमें कोई मसला हो, कोई ऐसा हो, तो वो उसमें भी हमारी मदद करते हैं। उसके बाद मियाँ जैद साहब हैं, यहाँ से प्रमोशन होकर गए हैं, अल्लाह ताला दूसरों को भी तरक्की दे। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जैद साहब तो कम अज कम हमारे महकमे में हैं, ये हमारे वापस आए इधर जिस तरीके से भी हैं। और मैं ये मार्च साहब से कहूँगा कि अगर कोई मसला है ऐसा आ सकते हैं तो हमें जैद साहब भी वापस ला सकते। दूसरा मार्च साहब के बहुत शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया है छोटा सा प्रोग्राम करने के लिए। और इसके मैं मातब का अच्छा ग्राहियों से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आए, उन्होंने वक्त निकाला है और फिर इस उम्मीद से कि फिर भी आते आते जाते रहेंगे, वक्त निकालेंगे हमारे लिए। और खुसूसन अगर हमें कभी जरूरत पड़े और आप इन सब बच्चों की खातिर अगर कोई जरूरत पड़े तो हमारा साथ होंगे। आप बैठे हैं, आपको तो आज छुट्टी जल्दी होना थी तो आप भी कर बैठे हैं, माता के अफसोस में बैठे हैं, आपकी भी बहुत ज्यादा मेहरबानी है। जुम्मे का वक्त है, हम तो जुम्मा पार क्या है कहें तो मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन अभी बच्चों ने जाकर जुम्मा पढ़ना। इसी के साथ मैं माता का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हेडमास्टर साहब आमिर खान साहब, थोड़ी देर करिए अच्छा मेरे साथ बैठने की तौफीक फरमाया के पास साहब क्योंकि हमारे करीब रहे और अपनी सात साल जिंदगी पूरी करके वापस जाए, तो इनसे गुजारिश करता हूँ कि वक्ता फोक्ता हमारी मदद करते हैं। और मियाँ जैद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी हमारे यानी कि पार्टी में शमूलियत की थी उन्होंने और वक्ता फोक्ता हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा दाऊद साहब और मलक साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने इस हमारी दावत को कबूल किया। इसके अलावा क्योंकि है तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब मेहनत करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह दुनिया दुनिया परेशानी खत्म फरमा, या अल्लाह शैतान के शुरू से हमें रिफा फरमा, या अल्लाह मलक में राय में हिदायत अता फरमा और अपने सुकून में आने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह तमाम हम सब से फिरा कभी अपना को मौत फरमा, या अल्लाह खुशी फरमा अल्लाह के सामने जिंदगी में बरकत फरमा, हमारा शरीर कभी अपना को मौत फरमा, या अल्लाह रसूल के हमारी दुआ को कबूल फरमा, अल्लाह ताला सिर्फ हम के मौसम आ रही। Thank you.